हेलो दोस्तों, बात करते हैं बंधन बैंक लिमिटेड की। और आप देखिए कि 326 रुपये का हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 7 मिलियन का बेहतरीन वॉल्यूम आया है। और आज बात करेंगे इस वीडियो में कि एक नए ब्रोकरेज हाउस ने अपना टारगेट लॉन्च दिया है और रिपोर्ट भी बताई है उन्होंने। तो रिपोर्ट की बात करेंगे कि एमके ब्रोकरेज हाउस ने इसका टारगेट रखा है 500+ के आसपास, और उसके बारे में बात करेंगे कितने टाइम में आप उसे अचीव कर सकते हैं, और रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है उन्होंने, और किस तरह से बंधन बैंक आगे आने वाले दिनों में मूव करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले बात करेंगे हम कि बंधन बैंक आज गिरा क्यों। ओवरऑल मार्केट देखेंगे आप तो मार्केट दबाव में दिखाई दिया है, सिर्फ बंधन बैंक की नहीं, अगर आप एनएससी की वेबसाइट पर जाएं, सेंसेक्स को देखें, तो पूरा मार्केट हमें आज दबाव में दिखाई दिया है। बिकवाली का जो एक माहौल बन चुका है हमारे यहाँ पे, उसकी वजह से बाजार थोड़ा सा दबाव में आएगा। हमने पिछले दिनों भी बात की थी कि जो बाजार है हमारा वो बहुत ऊपर चढ़ चुका है, और बिकॉज ऑफ एफआईआई वहाँ पर वो बाजार सस्टेन नहीं कर सकता है। जब तक डीआईआई भी नेट बायर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, कितना भी एफआईआई बाइंग कर लें, वहाँ पर मार्केट को सस्टेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें अगर बंधन बैंक की, तो आप देखिए 326 रुपये के आसपास हमारा स्टॉक पहुँच चुका है, और पिछले दिनों जब एक ब्रोकरेज हाउस उसने टारगेट दिया था और हमने भी 505 का एक टारगेट देकर वीडियो किया था, उसके बाद से थोड़ा सा मूवमेंट आया था इस स्टॉक में। और जो बजट की रैली थी, बजट की रैली में भी इसने पार्टिसिपेट किया था अच्छा खासा, और वहां से एक पॉजिटिविटी आती हुई जरूर दिखाई दी थी। बट उसके बाद अब देखिए कि 2-3 दिनों से लगातार स्टॉक जो हमारा कंसोलिडेशन फेज में ही दिखाई देता है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो डिलीवरी परसेंटेज हमारा सुधर रहा है धीरे धीरे करके, और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम में थोड़ा सा ग्रोथ दिखाई देता है। एवरीडे का वॉल्यूम कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा एक स्थिरता आती हुई, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देती है, और स्टेबल वॉल्यूम आने का मतलब है कि आने वाले समय में जो स्टॉक है हमारा वो बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर डिलीवरी परसेंटेज की हम बात करें तो आप देखिए कि डिलीवरी हमारी ठीक ठाक दिखाई देती है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है, बट जिस हिसाब से एक 350-400 रुपये के आसपास का स्टॉक हुआ करता था पिछले दिनों, आप देखिए 326 रुपये का स्टॉक प्राइस है हमारा, और उसके बावजूद भी 5.9 मिलियन का शेयर डिलीवर्ड है। और यहाँ पर बात करें 3 फरवरी की, तो 5 मिलियन के आसपास का शेयर डिलीवर्ड है। 4 फरवरी को भी 6 मिलियन के आसपास का, और 5 फरवरी की बात करें तो 8 मिलियन के आसपास का शेयर डिलीवर्ड है। एंड उसी तरह की एक अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पर बरकरार है। डिलीवरी ज़्यादा होती है इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो स्टॉक है हमारा वो ऊपर भागता हुआ दिखाई दे सकता है, और एक सीधा सा मतलब ये बनता है कि लोग अभी भी इसमें बाइंग कर रहे हैं। बंधन बैंक की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो बहुत सारा जो शेयर्स है वो पब्लिक के पास यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, और जब भी रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत सारा शेयर होता है तो वहाँ पर एक पैनिक मोड क्रिएट होता है जब भी बाजार दबाव में होता है। तो और आज कल या परसों की बात करें यानी 8 फरवरी की, 5 फरवरी की, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी एक गिरावट का माहौल बना है हमारा वो रिटेल इन्वेस्टर के पैनिक का ही नतीजा है, क्योंकि जितने भी लगभग ब्रोकरेज हाउसेस हैं, लगभग ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर बाय कॉल या फिर होल्ड रेटिंग दी है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बंधन बैंक का जो स्टॉक है वो अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। आप देखिए कि डिलीवरी परसेंटेज हमारा ठीक ठाक दिखाई देता है। अब अगर बात करें बाजार में गिरावट की, तो आप देखिए कि एनएससी पे वेबसाइट पर हैं अभी हम, और निफ्टी बैंक में 50,050 का जो एक लेवल है, 15,050 का सॉरी, तो 15,050 का जो एक लेवल मेंटेन है हमारा, एक जो सपोर्ट, स्ट्रांग सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है, और ये सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बिकवाली का माहौल जरूर है, एफआईआई का डेटा भी दिखाऊंगा मैं भी आपको, जहां पर बिकवाली का माहौल दिखाई देता है साफ, बट आप देखिए कि ओवरऑल जो इंडेक्सेस हैं हमारे वो मिक्स्ड इंडिकेटर दे रहे हैं यहां पे, और लगता है कि निफ्टी 50 को देखकर कि ये करेक्शन का जोन बन सकता है। बट अगर हम बाकी इंडेक्सेस को देखें, निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 1% डाउन है, बंधन बैंक से डायरेक्ट रिलेटेड है ये, उसके बावजूद भी आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन में है और गिरावट में है ये, तो यहाँ पर अगर निफ्टी बैंक गिरावट में है तो एक पैनिक का मोड यहाँ पर डायरेक्टली क्रिएट होता है, और बैंकिंग स्टॉक में ज्यादातर स्टॉक्स में आज गिरावट का माहौल बना है हमारा। अब बात करें एफआईआई की, तो एफआईआई की बात करें तो यहां पर आप देखिए कि एफआईआई वो नेट बायर्स ऑफ 1300 करोड़, 9 फरवरी को एफआईआई ने बाइंग की थी, जैसा मैंने कहा कि एफआईआई अभी भी बाइंग कर रहे हैं। बट जो बुरी खबर है वो डीआईएस की तरफ से, यानी इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वहां से आ रही है कि यार ये लोग बहुत ज्यादा मात्रा में सेलिंग कर रहे हैं, और सेलिंग जब भी होगी बहुत ज्यादा तो वहां पर एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। अब देखिए कि एफआईआई ने 1300 करोड़ का माल खरीदा है और डीआईआई ने 1756 करोड़ का माल बेचा है, तो बिकवाली बहुत ज्यादा हो रही है, 450 करोड़ के आसपास का जो एक नेट बाइंग सेलिंग हुई है बाजार में वो बहुत, उसी की वजह से आप देखेंगे कि 9 फरवरी को बाजार गिरा था, और आज का डेटा आने में थोड़ा सा समय लगेगा, बट स्टिल आज भी देखेंगे आप तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बिकवाली का माहौल बना है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स ने भी सेलिंग बहुत ज्यादा की है। म्यूचुअल फंड को आप 5 फरवरी का डेटा देखें यहाँ ऊपर, तो 1889 करोड़ के आसपास का माल इन्होंने बेचा है, और अगले यानी 4 फरवरी का देखें तो 1620 करोड़ का माल इन लोगों ने बेचा है। तो इस महीने में 1 फरवरी से स्टार्ट करके जब बाजार एकदम तेजी पकड़ रहा था,
FIIs बाइंग कर रहे थे, तो वहाँ पर हमारे म्यूचुअल फंड्स और DIIs बहुत ज़्यादा सेलिंग में घुसे हुए थे। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि बाजार में एक करेक्शन का जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये करेक्शन का जोन नहीं आता, बट क्योंकि ये लोग बिकवाली बहुत तेज़ी से कर रहे हैं इसलिए करेक्शन का जोन बन रहा है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बंधन बैंक का जो स्टॉक है हमारा वो थोड़ा सा दबाव में है पिछले एक दो दिनों से। बट जो अच्छी खबरें आई हैं उनकी भी बात करें तो आप देखिए कि MK ब्रोकरेज हाउस ने, बंधन बैंक, MK ब्रोकरेज हाउस एंड रेटिंग है बाय, और LTP यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमारा 328 और टारगेट दिया है इन्होंने 500 रुपीज़ का। 52% का अपसाइड है यहाँ पे, 52% का रिटर्न आप कमा सकते हैं अगर MK ब्रोकरेज हाउस की माने तो। और मुझे लगता है कि जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको 505 रुपये का एक टारगेट दिया था, वो टारगेट के बाद अब देखिए दूसरे ब्रोकरेज हाउस ने 500 रुपये का टारगेट दिया। मैंने कल या परसों की वीडियो में आपको मोतीलाल ओसवाल का टारगेट दिखाया था और जियोजीत का टारगेट दिखाया था। तो ओवरऑल अगर बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ कुछ अच्छी खबरें आना स्टार्ट हो गई हैं, और ये बैंक देखेंगे आपकी इलेक्शंस के बाद काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई भी देगा आपको। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में ये बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा, बट ऑपरेटर्स का जो इंटरफेरेंस लगातार बना हुआ था पिछले दिनों उसकी वजह से ये स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखा था। तो ब्रोकरेज की बात माने तो 500 रुपये का टारगेट आप लेके चल सकते हैं, बट मेरा एक कहना होगा कि यहाँ पर रेटिंग बाय ना करके मैं बोलूँगा कि होल्ड करके रखो, जिसने बाइंग कर रखी है बाइंग ना करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाय करने का सजेशन मेरा नहीं होगा, बट स्टिल लास्ट कॉल आपका ही होना है, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। तो अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे इस स्टॉक को तो आप देखोगे तो थोड़ा स्ट्रेस्ड बैंक है, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत ज़्यादा इसमें एक रिटेल इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है पैनिक मोड क्रिएट होते ही बिकवाली शुरू हो जाती है, और जो दबाव आया है इसके ऊपर वो बहुत बुरा है। अगर बैंक अच्छा है तो यहाँ पर इतना दबाव बनता नहीं था, बट स्टिल क्योंकि बजट में बहुत अच्छा खासा पॉलिसीज लॉन्च हुई हैं, बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है, और उन्हीं सबको देखते हुए लगता है कि स्टॉक हमारा अब आगे भागेगा। और कुछ नए ब्रोकरेज हाउस ने जिस तरह की कॉल दी है वो भी बहुत अच्छी है आप देखेंगे। तो ओवरऑल स्टॉक हमारा अच्छा है, आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, 500 रुपये का टारगेट भी है यहाँ पे। ठीक, होल्ड रेटिंग रहेगी मेरी, बाय करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, बट स्टिल लास्ट कॉल आपका है तो आप बाय कर सकते हैं आप चाहें तो। तो अगर चार्ट की बात करें तो देखिए कुछ दिनों से हमारा जो स्टॉक है वो बुलिश जोन में बना हुआ है, हालांकि कैंडल्स हमारी वही आ रही हैं छोटी और एक गिरावट वाली, बट स्टिल आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बुलिश जोन बना हुआ है और हमारे मैग्डी की लाइन भी ठीक ठाक दिखाई देती है। ओवरऑल RSI की बात करें तो 40.54 है, यानी रिलेटिवली स्ट्रांग है हमारा, ठीक ठाक स्टॉक दिखाई देता है हमारा यहाँ पे। बहुत अच्छा नहीं कहूँगा चार्ट में, चार्ट थोड़ा सा वीक दिखाई देता है, बट स्टिल टेक्निकल्स हमारे वीक हैं, बट जो फंडामेंटल्स हैं बैंक के सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 320 रुपये का जो नियर बाई सपोर्ट जोन हमारा बन रहा है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, ये भी एक अच्छी खबर है। 320-325 रुपये का और 345 रुपये का, जैसे मैंने पिछले दिनों भी आपको कहा था कि 345 का हमारा नियर बाई रेजिस्टेंस जोन है, और 345 का जो लेवल है हमारा अगर वो ब्रेक होता है तो स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोनों लेवल्स आपको वॉच करने हैं, एक तो हमारा 320 रुपये का और एक आपका 345 रुपये का। 320 रुपये का अगर सपोर्ट हमारा ब्रेक हो जाता है तो स्टॉक हमारा नीचे आने की उम्मीद की जा सकती है, और अगर 345 का हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो स्टॉक हमारा फटाफट ऊपर जाएगा। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में आफ्टर इलेक्शन हमारा जो स्टॉक है वो और आसानी से 500 रुपये तक 3 से 4 महीनों में कवर करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बट आपको इलेक्शन तक का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि बंधन बैंक जो है वो थोड़ा सा इलेक्शन से प्रभावित होने वाला बैंक है, स्टेट बैंक है, स्टेट ओन्ड बैंक है एक, तो इस वजह से मुझे लगता है ज़्यादा अफेक्ट होता है वो, तो वहाँ पर एक वोलेटिलिटी इसलिए भी ज़्यादा दिखाई देती है, और बाजार जिस तरह से ऊंचाइयों पर है और DII जिस तरह से सेलिंग कर रहे हैं इसलिए भी थोड़ा सा दबाव बना हुआ है इसके ऊपर। बट उसके बावजूद भी स्टॉक हमारा जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आप होल्ड करें इस स्टॉक को और 500 का एक जो टारगेट है वो आप लेके चलेंगे, तो कम से कम आप अपना लॉस रिकवर करें और फिर उसके बाद लॉस बुक करके, मतलब जैसे ही रिकवर हो जाए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं और किसी और स्टॉक में निवेश करें जो बेहतर हो, सेफ हो और अच्छा रिटर्न दे सके। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू मिस द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।